मन बुद्धि को एकाग्र करे, बॉडी को एकदम रिलैक्स करे, अपना सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटि के बीच, निराकारी स्वरूप में अपने आप को देखे, अनुभव करें, मैं निराकारी आत्मा इस देह रूपी कुटिया में अवतरित हुई हूँ। मैं सर्वशक्तिवान बाप की, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये स्व स्थिति, निराकार स्थिति, सर्व परिस्थितियों को सामने करने की शक्ति देते हैं। मैं हमेशा मेरा सत्य स्वरूप में स्थित होकर, कितना भी बड़ा परिस्थिति हो, स्व स्थिति से छोटा बना सकता हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान बाप का संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं पुरानी स्वभाव संस्कार से परे, पुरानी इच्छाओं से परे, पुराने बातों से, व्यर्थ बातों से परे समर्थ स्थिति में स्थित हूं। अभी अपने आप को परे ते परे परम धाम में अपने आप को देखे, निराकारी दुनिया में निराकारी स्थिति में अपने आप को देखे, बाबा का सानिध्य में अपने आप को अनुभव करें, सर्वशक्तिवान बाप की किरणों के नीचे मैं आत्मा बैठी हूँ, संपूर्ण स्थिति का अनुभव करें, बाप समान स्थिति, जैसे बाप है वैसे मैं हूँ, बाबा सर्व का कल्याण करने वाली सर्वोदय है, मैं भी बाप समान कल्याणकारी हूँ। सर्व पर दया रखने वाले सर्वोदय हूँ। निराकारी स्थिति में अपने आप को देखते हुए बाप समान निरहंकार स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। अभी अपने आप को सतयुगी देवता स्वरूप में देखें, विष्णु चतुर्भुज के रूप में देखें, अलंकारी रूप में देखें, कदापद स्वदर्शन चक्रधारी रूप में देखे, मैं निराकारी आत्मा अलंकारी रूप में हूं, मैं अलंकारी हूं, यही है मन्मना भव और मध्याजी भव स्थिति, संपूर्ण स्थिति, सर्व कामना से परे, इच्छा मात्रम अविद्य स्थिति, स्व
साक्षात्कार मूर्त स्थिति। इसी स्थिति से निराकारी सो अलंकारी। अभी अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ जाए, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा शरीर में प्रवेश करती हूँ। इसी स्थिति में स्थित होकर आज की मुरली हम सुनते हैं। श्रेष्ठातिश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण निराकारी आत्मा, इस साकारी तन में विराजमान हो, सभी अपने आप को बाप दादा का सम्मुख अनुभव करे। बाप दादा सामने है और मेरे लिए बाबा मुरली चला रहा है, शक्ति दे रहे हैं, ऐसे अनुभूति के साथ आज की मुरली हम सुनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वैसे आज दो मुरली है, एक है 3/12/17 सामना करने के लिए कामनों का त्याग, दूसरा है 5/12/17 प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। सो सामना करने के लिए बाबा ने कहा कामनों का त्याग है ना, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। सो हमारा स्वस्थिति में रहने से इच्छा मात्र अविद्या स्थिति बन सकती है। स्वस्थिति ही मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति है। इस स्थिति से सर्व परिस्थिति से हम पार कर सकते हैं, है ना, उतना हम शक्तिशाली रहते, कोई भी परिस्थिति सामने आए उसको हम पार कर सकते हैं। सामना करने की शक्ति भी तभी प्राप्ति होती है जब स्वस्थिति में हम स्थित होते हैं, है ना। जब कामना है तो हम सामना नहीं कर सकते, इसलिए बाबा ने इच्छा मात्र अविद्या, स्थूल और सूक्ष्म जो भी इच्छा है ना, कोई मान नाम शान का इच्छा हो, कोई और इच्छा हो, है ना, और क्या इच्छा, कोई भी प्यार दे, है ना, किसी का साथ हम छोटा मोटा इच्छा रखते है ना, सूक्ष्म इच्छा है वो भी ना होना है, और स्थूल इच्छा भी ना होना है, क्योंकि इच्छा है तो अच्छा नहीं बन सकते, ठीक है। सो इसलिए बाबा ने कहा निरहंकारी स्वरूप था, स्वरूप में स्थित होना है। फिर अलंकारी रूप, इच्छा मात्र परे होने, इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए निराकारी स्थिति और अलंकारी स्थिति। सो निराकारी स्थिति से इच्छा मात्र अविद्या आता है, अलंकारी स्थिति से क्या होते, अहंकार मिटते हैं। ये दो बातें बाबा ने कहा। सो जब इस दोनों बातों को हम साक्षात मुहूर्त बनेंगे तब जय जयकार हो जाएगा, है ना, उतना हमारा स्थिति, संपूर्ण स्थिति बनना है तभी साक्षात्कार करा सकते हैं। दूसरा मुरली नेक्स्ट हम बोलते हैं। अभी सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग, इस मुरली हम स्टडी करते हैं 3/12/17। आज हर एक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहा है, व्यक्त शरीर में होते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते। सुनिए, हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहां तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वो देख रहे हैं, निराकारी और अलंकारी, हमारा फाइनल स्टेज है ना, दोनों ही आवश्यक है। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। अलंकारी स्वरूप कौन सा है, देवता स्वरूप, विष्णु स्वरूप, चार अलंकार दिखाते हैं ना, वो कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा।
इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा निराकारी और अलंकारी हूँ, विष्णु चतुर्भुज हूँ। यही है मन मनाभव मध्याशी भाव, निराकारी मना परम धाम है ना, आत्मिक स्थिति, परम धाम की स्थिति, और यही मन मनाभव स्थिति बाबा ने कहा निराकार स्थिति है ना। अपने स्वरूप में हम जब स्थित होते हैं, लाइट स्वरूप में, बीज रूप स्थिति में, निराकार स्थिति में, तब बाबा का यह स्वतः समय हुई होते उस स्थिति में। सो वही मनमना भाव है, मध्याशी भाव, अलंकारी विष्णु स्वरूप। स्व स्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। क्या कहा बाबा ने? स्व स्थिति, निराकार स्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। देखिए अपना निराकार स्थिति में स्थित हो जाए और अनुभव करे, यही मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति है। भाव समान स्थिति है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान बने होना, बने हैं। इस स्थिति में सर्व प्राप्तियों से पार हो जाते हैं। क्या कहा? इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। सर्वशक्तियां है तो कोई भी समस्या आपको हिला नहीं सकता है ना, सर्व परिस्थिति से हम पार हो सकते हैं। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है। मैं निराकारी स्वरूप में स्थित हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित हूँ, स्व स्थिति में स्थित हूँ, अर्थात सर्व में। मैं अपना स्थिति में स्थित हुआ तो दूसरे भी कैसे नजर में आएगा? स्व का भाव है ना, वो भी आत्मिक भाव में हमें अनुभव होता है, उनको भी हम स्व स्थिति में देखते हैं, आत्मिक स्थिति में देखते हैं। सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है, वो भी आत्मा है, वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये अनुभव होता है जब हम खुद उस स्थिति में स्थित होंगे तो, और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। देखिए इजी है पुराने स्वभाव को समाप्त करने का तरीका, स्व स्थिति में स्थित हो जाना। अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाए है ना, दिल शिकस्त होना, लगाव झुकाव, ये स्वभाव है ना, जलसी, ये स्वभाव खत्म हो जाएगा। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो, फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएगी। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव, देखिए अभी अपने आप को, मैं आत्मा हूं, शांत शुद्ध मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्व का भाव देखो, फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएगी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान है तो दूसरे भी वैसे ही है, सामना करने की सर्वशक्तियां प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति क्या करेगा? सामना करने की सर्वशक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जब तक कोई सूक्ष्म स्थूल कामना है तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती है ना, स्थूल और सूक्ष्म कामना है तो सामना नहीं कर सकते, कामना सामना करने नहीं देती है ना। मुझे है ना प्यार चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए है ना, ये कामना है तो सामना करने नहीं देती। इसलिए
ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रा विद्या। ये क्या है? अंतिम ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप कौन सा? इच्छा मात्रा विद्या। अभी स्थित हो जाए अपने आत्मिक स्व के भाव में, निराकारी स्वरूप में, कामना से परे स्थिति में स्थित हो जाए। मैं इच्छा मात्र अविद्या आत्मा हूं, मुझे किसी भी तरह का सूक्ष्म या स्थूल कामना नहीं करना है। मैं सर्व इच्छा से परे हूं, क्योंकि मैं अपने संपूर्ण स्थिति में स्थित हूं। अब अपने से पूछो, इच्छा मात्र अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? पूछना है अपने आप को, देखिए अपने आप को, इच्छा है मुझे कोई आगे आगे रखे, है ना, कोई रिस्पेक्ट दे, है ना, ऐसा इच्छा है? जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और आहाकार भी होगी, है ना। इच्छा मात्र अविद्य स्थिति है तो जय जयकार हो जाएगा। यह है आप सभी का अंतिम स्वरूप। देखिए अपने अंतिम स्वरूप को स्पष्ट, इच्छा मात्र अविद्य स्थिति। अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि अभी अभी ये छोड़ा, नया शरीर धारण करना है, ऐसे स्पष्ट अनुभव होना है हमें, ना? इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में स्थित होंगे तो अपना संपूर्ण स्थिति और भविष्य स्वरूप दिखाई देंगे स्पष्ट रीति से। ऐसे सदैव बुद्धि में यही रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। बुद्धि में क्या होगा रहना है? अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना, भविष्य और भविष्य स्वरूप को धारण करना है, अभी इच्छा मात्र अविद्या बनना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो वैसे ये संपूर्ण स्वरूप धारण करो। अभी धारण करें संपूर्ण स्वरूप इच्छा मात्र अविद्या और देवता स्वरूप विष्णु चतुर्भुज अलंकारी स्वरूप। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ वो नया धारण करना क्या मुश्किल होता है? नया कपड़ा है उसको पहनना मुश्किल होता है? ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो सामने है तो फिर वो संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों? सामने दिखाई दे रहा है आपका संपूर्ण स्वरूप, उसको पहनने में देरी क्यों? बताइए, अपने आप को पूछे। कोई भी अहंकार है तो वो अलंकारी, सॉरी, कोई भी अहंकार है तो वो अलंकारहीन बना देता है। अहंकार है तो अलंकारहीन माना देवता स्वरूप संपूर्ण स्वरूप नहीं बन सकता। इसलिए निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी, पहले अहंकार को मिटाना है, निराकारी बनना है, फिर अलंकारी स्वरूप हम धारण कर सकते हैं। इस स्थिति में स्थित होना सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। देखिए क्या कहा बाबा ने, इस स्थिति में स्थित होना सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाला है वो अपना अकल्याण कर सकता है? सदैव अपने को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो। स्थित हो जाए, मैं विजयी रत्न हूं,
मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को न सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। अंडरलाइन, हार खाने वाले को न सिर्फ हार, हार नहीं है ना, फेलियर भी नहीं, लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है ना। क्यों हार होता है? हमारे अंदर शक्ति कमी है, कामना है ना, तो कामना है तो सामना करना नहीं देते है ना, इच्छा है ना, देहबान देहंकार है, तो धर्मराज की मार भी खानी पड़ेगी। क्या हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो, हार के पहले मार सामने देखो। कोई इच्छा पैदा हो तो देखे अपने सामने मार है ना, मार से भूत भी भागते हैं, तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएगा, कोई भी भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना। अब तक हार खाना किन्हों का काम है? मास्टर सर्वशक्तियों का नहीं है, इसलिए वही पुराने बातें पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिवानों की सूरत पर शोभता नहीं है, इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो। अभी अभी क्या है? संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करना है, प्रयत्न नहीं। प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकेंड में की जाती है ना, प्रयत्न में समय लगता है। देखिए प्रयत्न माना टाइम लगता है, देखेंगे करेंगे देखेंगे सोचेंगे है ना, प्रतिज्ञा में ना अभी हुआ ही पड़ा है, इसलिए अब प्रयत्न का समय भी गया। प्रयत्न करने के टाइम नहीं, अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है, जस्ट प्रतिज्ञा और संपूर्णता की प्रत्यक्षता करनी है, साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। क्या क्या समझने से? साक्षात्कार मूर्त बाप समान समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय है, न कि हार खाने का। अगर बार बार हार खाते रहते हैं तो उसका भविष्य भी क्या होगा? ऊंच ते ऊंच पद तो नहीं पा सकते। बार बार हार खाने वाले को देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा है ना, देवताओं के लिए हार बनाने वाले बनने पड़ेंगे है ना, हम देवता नहीं बन सकते है ना। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेगी। रत्न जड़ित हार बनते हैं ना, और फिर द्वापर से भी जब भक्त बनेंगे तो अनेकों को मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में भी हम पूजक हार बनाने वाले बन जाएंगे, और सत्युग में भी दास ही बन जाएंगे है ना, हार बनाने वाले। इसलिए हार नहीं खाना, अभी हार नहीं खाना। यहाँ कोई हार खाने वाले है क्या? नहीं है ना, अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो, समाप्ति में बलि चढ़ना है व चढ़ चुके हो, जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे है ना, मैपन का बलि चढ़ना है, यहाँ हार नहीं करना, पूरा स्वाहा करना है। इतने सभी की आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर कहा कि है ना, हार नहीं खाना है, कंप्लेंट में नहीं रहेगा, संपूर्ण कंप्लीट बन जाएंगे। आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है।
प्रतिज्ञा करने वाले को माया की चैलेंज 5:12:17। यह बाबा ने सामना करने की शक्ति का भी सदैव कायम रखने के लिए बाबा ने कहा और प्रतिज्ञा करने वाले पास से ऑनर होता है। ठीक है, सो माया सूक्ष्म रूप से धारण करती है, उसको हम परखना है, उसके बारे में भी बाबा ने बताया। चले हम पढ़ते हैं। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है, चाहे जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए, ऐसे सहज अभ्यासी बने हो। एक सेकेंड के लिए परे हो जाए आवाज से परे, रामधाम में देखे वापस आ जाए। ये पाठ पक्का किया है, विजयी रत्न बने हैं। किस पर विजय बने हो? सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। क्या कहा? सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। किस पर विजय बने हो? जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है, वैसे बाप के समान विजयी बने हो। क्या यादगार है? सर्व के ऊपर विजयी बने हो। आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है? कोई भी नहीं बन सकता है ना। ऐसे स्थिति बट्टी में बनाई है। बट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा। पास विद हॉनर अर्थात क्या है, संकल्प में भी फेल ना हो, ऐसे बने हो। पास विद ऑनर माना संकल्प में भी फेल ना हो, कोई भी विकार का संकल्प न आए। कल समाचार सुना था कि जी जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। जो हाँ जी करता है वही पास विद ऑनर होता है। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। माया भी क्या करते है, प्रतिज्ञा करते है, प्रैक्टिकल पेपर लेते हैं वो। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। माया सामना करेगी ना, हमारे अंदर भी उतना शक्ति होनी चाहिए। जो अष्ट शक्तियां सुनाई थी वो अपने में धारण की है। ज्ञान मूर्त गुणमूर्त दोनों ही बने हो। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो। देखिए क्या क्या बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। ज्ञान गुणमूर्त बने हो है ना, माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो। अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है। मधुबन जाने से पहले माया को विदाई देना है। माया भी बड़ी चतुर है ना। सो पांच विकार को हम रावण कहते हैं ना, माया उसका सूक्ष्म विकार है। अब वही कहते हैं उसको भी विदाई देना है। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस टिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है ना। सूक्ष्म रीति से छिपे रहते फिर चलने लगते हैं, वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप ही धारण करती है ना। सूक्ष्म इच्छाएं धारण करती है, इसलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ श्वास छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। क्या कहा बाबा ने, अपनी चेकिंग सूक्ष्म माया का अंश को भी हम चेक करना है ना। इच्छा ही क्या है, माया है ना, थोड़ा थोड़ा इच्छा। फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमने आज ही मालूम पड़ा है, हमको आज ही मालूम पड़ा है ना। कभी कभी ऐसे बोल निकलते हैं, मुझे पता नहीं था मेरे अंदर है ये ना।
इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार होशियार बना रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञा की है। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है? मधुबन में, है ना? किसके आगे की है? ये सभी बातें याद रखना है। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है? प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्व तृप्त हो जाए। प्राप्ति की जो सर्व तृप्त हो जाए, कोई अप्राप्ति न रहे, है ना? अप्राप्ति है तो इच्छा पैदा होता है, तृप्त हो जाना है संपूर्ण। जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रा विद्या होंगे। अंडरलाइन, बाबा पिछले मूल्य में बताया इच्छा मात्रा विद्या होना है ना, उसके भी पहले बाबा ने बताया था। निराकार स्थिति में आप जितना स्थित होंगे उतना हम इच्छा मात्रा विद्या स्थिति बनेंगे, ठीक है? सो बाबा ने बताया जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रा विद्या बनेंगे। देखना है अपने आप को, हम तृप्त बने सर्व से, संपूर्ण रीति से। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। इच्छा मात्र विद्या है तो सामने करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए, ये सभी पेपर के क्वेश्चंस है। पुराना वृत्तियों से निवृत्ति हुए हुए हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है? जो पेपर प्रैक्टिकल होना है, अपने को पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। क्या शक्ति? क्लियर और डोंट केयर, ये क्या है देखना है, बाद में डिस्कशन करेंगे। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई है। ये सभी कुछ किया व कुछ रहा है, जो समझते है सभी बातों की प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बन। सभी बातों की प्राप्ति कर, प्राप्ति है तो तृप्त है ना, तृप्त आत्मा बन। पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूं, वो हाथ उठाए। सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान शक्तिवान जो बने हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पेपर की रिजल्ट देखेंगे, जो इस मास पास विद ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास विद ऑनर सिर्फ पास नहीं, अपनी अपनी रिजल्ट लिख भेजना। फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर निकले। लेकिन ये भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी है उन्होंने भी सर्टिफिकेट लेंगे। हम देते हैं लेकिन बाबा दूसरों से मांगते हैं, है ना, टीचर्स और साथियों से, तब याद सौगात देंगे। सहज है ना? जब हो ही हिम्मतवान तो ये क्या मुश्किल है। सदैव ये स्मृति रखना कि मैं विजयी माला की विजयी रखता हूँ। अपने एक सेकेंड इस स्थिति में स्थित हो जाए, विजयी माला की विजयी रखता हूँ। इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। देखिए सॉल्यूशन बताया बाबा ने, हार नहीं कहना है ना, क्या करना है? मैं विजयी माला की विजयी रत्न, बस ये स्मृति। अच्छा, सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े? समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे तो संपूर्ण बलि चढ़े? महाबलि बन के जा रहे हो कि अभी भी कुछ मरना है? मेरा अस्तित्व नहीं, बलि चढ़ना मैंने क्या, कुछ भी नहीं है मेरा, अर्पण समर्पण। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता।
ऐसा निश्चय अपने में धारण करके जा रहे हो ना। हमें महाबली बनना है, संपूर्ण अर्पण बनना है, तब माया कुछ नहीं करेगी। रिजल्ट देखेंगे, फिर बाप दादा ऐसे विजय रत्नों को एक अलौकिक माला पहनाएंगे। अलौकिक माला बाबा पहनाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति जी। बताइए, पहले मुरली में सामना करने के लिए कामना का त्याग, उसमें बाबा ने क्या कहा? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? अच्छा, जी रेखा सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकते। साक्षी सिस्टर, आलोक करना, अनम्यूट ऑप्शन देना। जी बताइए रेखा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने में प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं। प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है। ओम शांति। जी, संपूर्ण स्वरूप क्या बताया बाबा ने, और कोई शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा है किसी भी वस्तु में, मुझे स्थूल वस्तु में कामना नहीं रखनी है। कामना रखेंगे तो सामना नहीं कर सकते। इच्छा मात्रा विद्या बनना है, ये संपूर्ण स्थिति बताया ना हाँ, इच्छा मात्र अविद्या। जी। जी अश्विन सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जब नए कपड़े को देखते हो तो पुराने को छोड़कर नए कपड़े क्यों नहीं ये करते। वैसे हमें नया ही ये करना है, नया धारण करनी, पुराने को सब छोड़नी है। अच्छा, अहंकार, निरहंकार बनना है। अहंकार है तो अलंकार इस स्वरूप बन नहीं सकते, तो इसलिए हमेशा नए कपड़ों को सामने रखना है। नए कपड़े क्या है यहाँ? निराकार अवस्था बनानी है, जो भी अपनी स्वभाव है पुराने उसको सब छोड़ देना है। संपूर्ण देवता स्वरूप है ना, अलंकार इस स्वरूप। मध्याशी बाबा ने कहा ना, उस स्वरूप को धारण करना। अच्छा, और वर्षा ओम सिस्टर शांति। हाँ जी, आज बाबा ने बोला कि जो स्व में अपने आत्मा के भाव को देखता है, तो बाबा ने कहा कि वहां भाव और स्वभाव की बातें
खत्म हो जाती हैं। तो बाबा ने ये कहा कि सामना करने की सर्व शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती है जब हम अपने आप को स्व में आत्मा देखते हैं, मीन्स शरीर ना देख के हम जब हम आत्मा देखते हैं तो भाव स्वभाव सब मीन्स फिर कुछ नहीं रहता है बिल्कुल भी, और जो शक्तियां हैं सामना करने की शक्ति आ जाती है हमारे में। ओम शांति। स्व के भाव में स्थित होना। अच्छा, और क्यों हम स्व के भाव में स्थित होने से सामना करने की शक्ति आती है, कैसे के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी कामना नहीं रहेगा, बाबा ने बताया, वो कैसे? जैसे तो फिर ऐसे होता है ना कि कोई भी हमारी कामना, हमारी जो कामनाएं हैं, जब देह होती है तो हमारे कामनाएं भी होती हैं, जब देह कोई समाप्त कर दिया कि वो है ही नहीं, हम सिर्फ आत्मा है, तो जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, सब खत्म हो जाती है। जी, और यही बाबा ने कहा ना, मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति है, आप समान स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति है ना। इसलिए सभी हम कामना का विरुद्ध सामना कर सकते हैं। सो स्व स्थिति में स्थित होना बहुत इम्पोर्टेंट है हर समय, है ना। अच्छा, और अच्छा, कोई शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर, इस मूल्य के ऊपर? हो गया, हाँ जी बताइए। दूसरे मूल्य में बाबा ने क्या बताया प्रतिज्ञा करने वालों को, माया की चैलेंज क्या क्या आता है? जी अनिता सिस्टर बोलो। आपका आवाज बहुत लो आ रही है। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। दीदी बाबा ने ये भी बोला ना, जब मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं वो कभी हार नहीं खा सकते, जो हिम्मतवान है शक्तिवान है तो वो कभी हार नहीं खा सकते, अगर जो हार खाते हैं तो फिर धर्मराज की मार भी खानी पड़ेगी उन्हें, तो वो जो बार बार हार खाते रहेंगे तो फिर वो कभी भी मतलब जो बाबा कहते हैं कि अलौकिक हार बनाएंगे तो वो हार मतलब बाबा नहीं बनाएंगे, फिर उन्हें देवताओं का हार बनाना पड़ेगा। दीदी जी, माया भी चैलेंज करते हैं ना जी। प्रतिज्ञा करने वाले उनका खूब प्रैक्टिकल पेपर लेते हैं, हम जितना प्रतिज्ञा करते हैं उतना पेपर भी आता है, इसलिए बाबा ने कहा सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है ना। सामना कैसे आता है, स्व स्थिति में। अगेन स्व स्थिति में रहेंगे तो अष्ट शक्तियां जो भी शक्ति है ना, गुणमूर्त ज्ञान मूर्त हम बन जाते हैं। और जी ओम शांति। तो बाबा बोलते हैं कि महाबली के आगे कोई माया की बली चल नहीं सकता, जो महाबली के आगे कोई माया की बल चल नहीं सकता, तो हमें महाबली बनना है, संपूर्ण बनना है। ओम शांति। और मैं विजय माला की विजय रतन हूँ, ये स्मृति में रखना है। ओम शांति। अच्छा, महाबली माना क्या है यहाँ? जैसे कि हम अच्छे से नहीं जानते लेकिन हम सोचते हैं कि शक्तिशाली क्या, और जी मास्टर सर्वशक्तिवान, जिसे बाप शक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है और इच्छा मात्र अविद्या, हम बहुत नहीं जानते, हम सोचते हैं। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा दीदी? मतलब ओम शांति दीजिए। एक मिनट, अवनी सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीजिए। जी बाबा ने बोला आज के जिस बाबा ने कहा कि अब संपूर्ण बनने की प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं करो बाबा ने कहा, क्योंकि प्रयत्न करने में समय लगता है और प्रतिज्ञा सेकंड की होती है, कि बाबा ने कहा कि प्रयत्न करने का पुरुषार्थ का समय अब चला गया। जी ओके, गीता सिस्टर बोलिए महाबली के ऊपर। बाबा बोला जितना तीर्थ बनेंगे इतना ही इच्छा मात्र अविद्या होगी, सदैव यह स्थिति में रखना ही विजय माला की विजय रत्न आत्मा हो, विजय रत्न हो। ओम शांति। अच्छा अवनी सिस्टर बोलिए।
दीदी मैं ये बोल रही ना कि बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो ना, प्रतिज्ञा करने में समय लगता है और प्रयत्न करना छोड़ दो, क्योंकि प्रयत्न करने बाबा ने कहा समय लगता है, और प्रयत्न करने वाले जो पुरुषार्थ था वो समय बाबा ने कहा कि अब चला गया, और बार बार हार नहीं खाओ माया से बाबा ने कहा, जो बार बार हार खाएंगे तो फिर उनको द्वापर में भी हार पहनाने पड़ेंगे मूर्तियों के आगे, और देवताओं के लिए भी हार बनाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा रतन जड़ हार बनाने पड़ते हैं ना, और साथ में बाबा ने कहा कि धर्मराज को सामने रखो, धर्मराज की मार को भी सामने रखो। ओम शांति दीजिए। जो दीदी महाबली है ये, तो महाबली मतलब मैं जो समझती हूँ, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये संपूर्ण बलि हमारी मतलब जैसा तन से मन से अपने संकल्पों की अपने सांस की हर एक चीज की बलि, तो वो पूरा बलिहार जिसे बोले बाबा कि पूरा बलिहार संपूर्ण बलिहार वो है ना महाबली जी, संपूर्ण स्वाह करना जो भी है ना, तन मन धन हाँ जो भी ईश्वरीय खजाने वो उसको भी बाबा के ऊपर समर्पण करना, मेरा कुछ भी नहीं, मैं और मेरा पंथ से बलिहार है ना, देह देह भान से बलिहार बलिदान है ना, पूर्ण अपने आप को आहुति, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है, बाबा ने दिया है, बाबा का प्रसाद है मेरा पास जो भी है, सो बाबा के ऊपर समर्पण करना, संपूर्ण समर्पण करना, उसको महाबली कहते है ना। देखिए वो महाबली के, महाबली होने के बाद उसको कुछ रहता है उसके पास, बकरी को क्या करते हैं अंत में एक दस महाबली करते, सो कुछ भी रहता है मतलब एकदम से सब कुछ स्वाहा, जिसमें बाबा खुद कहीं झाट को भी बोलते हैं कि जो कुछ बचे झाट को, मतलब संपूर्ण एकदम बलि वो भी धीरे धीरे करके। हाँ जी, एक दस से है ना, मेरा सब कुछ स्वाहा करना। बाबा ने ये भी बताया सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं विजय माला का विजयी रत्न हूँ, ये स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। और दूसरा बाबा ने बताया ना तृप्त आत्मा समझना है ना, तृप्त बनेंगे उतना इच्छा मात्रा विद्य बनेंगे, सो कामना नहीं रहेंगे, इसलिए बाबा ने जी सॉरी दीदी आप कर रहे हो कंटिन्यू, बाद में पूछती हूँ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, हमारा हो गया तृप्त समझना जी। अच्छा दीदी इसमें आगे है ना, मैं दूसरे उसमें थी, पता नहीं आपके इसमें हुआ कि नहीं हुआ, अपने को पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। अच्छा, क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है, डोंट केयर किस बात का करना है बोलिए सिंपी सिस्टर, इसके बारे में। एक्चुअली ये लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा एक लाइन पहले हम पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। बाबा ने यहाँ कहा है कि पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए हैं, ये सभी पेपर के क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल में आने हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी पुरानी वृत्तियां होती हैं पूरी लाइफ की, तो वो क्लियर होनी चाहिए। बाबा उसको कह रहे हैं कि अपने को पूर्णतः क्लियर, और डोंट केयर बाबा माया से कहते हैं कि जो भी कोई परिस्थितियां आती हैं, ये माया डराती है, परेशान नहीं होना है, उसको हमेशा डोंट केयर करना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हम यदि घबरा जाते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और क्लियर करना है पुरानी स्मृतियों को और वृत्तियों को जो घड़ी घड़ी हमें कमजोर बनाती हैं। तो ये प्रैक्टिकल में पेपर आएंगे, जैसे प्रकाशमणि दादी के बारे में हम सुनते हैं कि दादी जी कहते थे बच्चों से कि आओ मेरा पेपर लो, हम घबरा जाते हैं प्रतिज्ञा करके, लेकिन दादी कहते थे आओ मेरा पेपर लो, इतना बड़ा मतलब परिवार हो गया था, तो कोई ना कोई आत्मा के भाव स्वभाव आते रहते थे संसार सामने, तो दादी जी उससे कहते थे मेरे पेपर है ये। ओम शांति जी, बहुत अच्छा ना, पुराने स्वभाव संस्कार से क्लियर होना है, उसको मिठा देना है। अच्छा जी, डोंट केयर माया से करना, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहता है इसके ऊपर दीदी? ये प्रतिज्ञा और प्रयत्न को एक बार आप क्लियर कर दें, प्रयत्न इस पुरुषार्थ। यस, प्रतिज्ञा जी, प्रतिज्ञा माना क्या है? दृढ़ संकल्प करना है ना, और प्रयत्न करना माना वहां दृढ़ संकल्प नहीं, करेंगे सोचेंगे, हाँ प्रयत्न करेंगे है ना,
उधर उतना दृढ़ता नहीं, प्रतिज्ञा माना दृढ़ता, दृढ़ संकल्प करना मुझे करना ही है। ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू जी। अच्छा अभी टाइम भी हो रही है दीदी, एक हाँ एक और पूछना है दीदी, एक क्वेश्चन और पूछना था जी, बोलिए। इसमें है ना कि पास विद ऑनर अर्थात संकल्प में भी फेल ना हो ऐसे बने हो, थोड़ा ये लाइन भी क्लियर चाहिए कराने थी। हाँ, संकल्प में भी विकार के फेल ना हो जी, हार नहीं करना है संकल्प में। हार माना किसको कहते हैं, हार किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं, फेलने की जो भी हम मतलब विकारों के वश हो जाते हैं, अपने कर्मेंद्रियों के, विकार के, स्वभाव संस्कार के, या कोई परिस्थिति में के भी, या किसी आत्मा के भी प्रभाव में आ जाते हैं, ये ही होगा, ये हार खाना हो गया ना। यस, सो संकल्प में भी हम हार नहीं खाना है विकार से, कोई भी विकार से हम संकल्प से ही हार नहीं खाना, संकल्प उठना ही नहीं है ना। मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये क्या है, डाउटफुल संकल्प, ये क्या है, ये पुराना संकल्प, मतलब विजय माला की विजय रतन, अपने विजय की संकल्प में रहा कि मैं विजय मेरी निश्चित है ना। सदा समर्थ संकल्प करना है ना, बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई, टाइटल क्या सम्मान दिए, उसक स्थिति में हम स्थित होना है, समर्थ संकल्प करना है। So, विकार के वश होकर कोई हम संकल्प न करे, कुछ भी हो जाए, इतना भी छोटा क्यों ना हो, है ना। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा मेरे ऊपर डाउट है, अपने आप को संकल्प करते हैं ना, होगा या नहीं होगा, ये सब क्या है, संकल्प में हार खाना है ना, ये पुराना संकल्प है हमारा, ये नहीं, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा कोई भी संकल्प में हम हार नहीं करना है, ठीक है, समर्थ संकल्प करना है। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है, तृप्त, तृप्त होना मींस सेटिस्फाइड होना, उसका मतलब तृप्त होना, तृप्त होना, सेटिस्फाइड, पूर्ण तरीके से है ना, अतृप्ति न रहे, संपूर्ण कंप्लीट, कंप्लीट होना। यस जी, थैंक यू। कोई भी बात में हमें अतृप्ति न लगे, सर्व में बात में है ना, परिपूर्ण होना। यस, मुझे जो मिला है, मुझे जो मिला है उसमें मैं तृप्त हूँ ना जी। इच्छा मात्र है ना, जितना आप तृप्त होंगे, मेरा भरपूरता, संपूर्णता, ठीक है, संपूर्ण होंगे तो तृप्त होंगे ना, थोड़ा कमी है, संपन्न नहीं है, संपूर्ण नहीं है, तो देखिए एक गड़ा होता है उसमें हलचल हो, कब होता है, जब थोड़ा कमी रहता है उसमें पानी, है ना, फुल रहे तो हलचल होगा नहीं, तन ऐसे यहाँ संपूर्ण और संपन्न दोनों चाहिए, तृप्त हो जाएंगे गुण और शक्तियों से। ठीक है, थैंक्स। ओम शांति जी, बोलना है कुछ? ओम शांति, बाबा ने आज स्वभाव की बहुत छोटी डेफिनेशन दिया है, बाबा बोल रहे हैं स्व में आत्मा का भाव देखो, ये स्वभाव है। ओम शांति, यही है ना फाइनल स्थिति। अच्छा ठीक है, हम यही होमवर्क लेंगे, है ना, अपना स्व स्थिति, स्व का भाव अनुभव करना है हमें, हमारा स्वभाव में रहना है, निराकारी स्वरूप में अनुभव करना है अपने आप को, और अलंकारी दोनों, मनमना भाव, मध्याजी भाव, बाबा ने कहा ना, उसका प्रैक्टिस करना है, स्व स्थिति में हमेशा रहने का साहस करना है पूरा दिन, ठीक है, और इच्छा मात्र आदित्य, उसको चेकिंग करना है मेरे में क्या क्या इच्छा अभी भी है ना, हो सकते कुछ भी खाने का, पहनने का, जाने का, कोई बाबा ने कहा ना स्थूल और सूक्ष्म इच्छा को हम चेक करें अपने आप को, ठीक है, उसको
इच्छा मात्र अविद्य बनना, उसको कैसे बने उसके ऊपर हम अपने आप को है ना मनन करना है, उसको हटाना है, हमें इच्छा मात्र अविद्य बनना है, तृप्त बनना है। ठीक है, इसके बाद पर हम ध्यान देंगे। अच्छा ओम शांति, अभी एक मिनट इच्छा मात्र अविद्य स्थिति में स्थित हो जाए, अपने निराकार स्थिति में तृप्ति के बीच में अपने आप को देखते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस अनुभव करते सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वयं मुझे तृप्त बना लिया है, जो भाना था भा लिया, सर्व प्राप्त स्थिति में स्थित हो जाए, संपूर्ण तृप्त अनुभव करे, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में स्थित हूँ, संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। इसी स्मृति से आज के दिन समाप्त करते हुए संपन्नता का स्थिति का अनुभव करें, परम धाम में जाएं, बाबा का सन्मुख अनुभव करें, और बाबा गुड नाइट कहें। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद, ओम शांति, शुक्रिया, शुक्रिया, गुड नाइट।